हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय हैप्पी प्लेस माय टेरेस गार्डन। मैं शिल्पा भोपाल से। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ गार्डनिंग में व्यस्त और मस्त ही होंगे। और ये देखिए, मेरे प्लूमेरिया में इस बार फर्स्ट बार ब्लूमिंग हुई है। ये मैंने छोटा सा प्लांट लेकर आई थी मैं लास्ट ईयर नर्सरी से, और देखिए अब इसमें इस बार फर्स्ट ब्लूमिंग हुई है। और फर्स्ट ब्लूमिंग का मज़ा ही कुछ और होता है। ये देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और ये प्लांट तो हमारे गार्डन में होना ही चाहिए। एक बार इस पर फ्लावरिंग होती है तो कंटिन्यूसली इस पर फ्लावरिंग होती ही रहती है, और ये फ्लावर काफी दिनों तक स्टे करते हैं इसमें। कि मेरे पास तीन या चारों वैरायटी है, पर ये रेड में फर्स्ट टाइम ही ब्लूम हुई है। और ये देखिए, रेन लिली भी मैंने अभी कल, मेरा ये एक छोटे से पॉलीबैग में लगा हुआ था ये रेन लिली, तो मैंने इसको इस पॉट में शिफ्ट किया है, और देखिए कितने जल्दी उसमें कलियां भी आना स्टार्ट हो गई हैं। तो इस छोटे से पॉलीबैग में से मैंने निकाल के कल ही इसको इसमें शिफ्ट किया है। तो फ्रेंड्स, आप लोग मुझे बहुत सारे कमेंट्स कर रहे थे कि आप गार्डन का ओवरव्यू नहीं दे रहे हो अपने। तो अभी मेरे गार्डन में ऐसा बहुत कुछ है नहीं दिखाने के लिए। देखिए अभी ये गार्लिक वाइन पे भी, गार्लिक लिली पे इतनी सुंदर फ्लावरिंग हो रही है, और ये फ्लावर्स भी बहुत बहुत दिनों तक टिके रहते हैं एक बार जब ब्लूम हो जाते हैं। तो आप लोग इसको भी अपने गार्डन में अभी ऐड कर सकते हैं। लिलीज पे भी फ्लावरिंग चल ही रही है, लेकिन अभी जिस चीज़ से मैं सबसे ज़्यादा परेशान हूँ अपने गार्डन में, वो है कि मेरे गार्डन में अभी चिड़ियाओं ने इतना ज़्यादा प्रकोप मचा के रखा हुआ है। और देखिए बस ये एक भाग्य से मेरे यहाँ पे ये एक फ्लावर जो है वो ब्लूम हुआ है कटिंग पे। ये मेरे कटिंग से लगा हुआ प्लांट है, और एक ही अकेला ही फ्लावर है जो कहीं प्लांट्स के बीच में बच गया था, तो इसकी कली बच गई है। अदरवाइज मेरे गार्डन में आप देख सकते हैं, ये हर प्लांट की एक भी कली मेरे गार्डन में अभी इस टाइम पे बच नहीं रही है। जितनी भी कलियां लगती हैं चिड़िया सारी खा जाती हैं। ये देखिए हाइब्रिड पे इतनी कलियां आ रही हैं इस टाइम पे, लेकिन एक भी फ्लावर ऐसा नहीं होता कि पूरी तरीके से अच्छे से खिल जाए। बहुत ज़्यादा चिड़िया ने आतंक मचा के रखा हुआ है, तो इस कारण से आजकल ना गार्डनिंग करने का मन भी नहीं करता है। और हर साल मेरे साथ ऐसा ही होता है, इस टाइम पे हमारे गार्डन में इतनी ज़्यादा चिड़िया आती हैं, जबकि मैं उनके लिए अलग से दाना पानी भी रखती हूँ, सब करती हूँ, फिर भी चिड़ियाँ सिर्फ कलियाँ ही खाती हैं। इस बात से बहुत, और टिकोमा की भी फ्लावरिंग होना स्टार्ट हो गई है, लेकिन टिकोमा की भी ऐसी आधी आधी इस तरीके के ही फूल खिल रहे हैं, और इतनी ज़्यादा छोटी छोटी सी भी अभी कलियाँ बनना स्टार्ट भी नहीं होती है, वो तक चिड़िया खा जाती हैं। तो समझ में नहीं आ पाता है कि क्या करूँ। देखिए कितनी ज़्यादा कलियाँ, मतलब हर फ्लावर प्लांट पर अभी इस टाइम पर हिबिस्कस में बहुत अच्छी ब्लूमिंग चल रही है। तो अभी इस टाइम पर मैं क्या कर रही हूँ कि कलियाँ बनने के पहले ही, जैसी कलियाँ बनना स्टार्ट हो रही है, तो मैं सारी पहले ही काट तोड़ दे रही हूँ, क्योंकि अब मैं सोच रही हूँ इससे अच्छा अगर प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो जाए तो ही ज़्यादा सही है, क्योंकि फालतू कलियाँ बनाने में प्लांट अपनी एनर्जी वेस्ट कर रही है। इससे पहले ही मैं अब इसकी जो कलियाँ हैं वो डिबट करना स्टार्ट कर रही हूँ। पर अब फिर भी कलियाँ तो आ ही रही हैं, क्योंकि ये सीज़न है हिबिस्कस के बहुत अच्छे ब्लूम करने का, तो कलियाँ तो बन ही रही हैं। पर अब मुझे मजबूरी में सारी कलियों को तोड़ना ही पड़ रहा है, इसके अलावा मेरे पास अभी कोई ऑप्शन है नहीं। तो बस ऐसे ही चल रहा है अभी गार्डनिंग में। बाकी जो परमानेंट प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ तो अच्छी चल रही है, पर फ्लावरिंग प्लांट्स के कारण मन खराब हो रखा है, और कुछ भी करने का मन नहीं करता आजकल गार्डन में। थोड़ी बहुत कटिंग्स वगैरह लगा रही हूँ बस, बाकी देखिए इतनी छोटी छोटी सी कलियाँ जब चिड़िया आकर खा जाती है तो मन नहीं कर रहा कि अब कुछ भी मैं करूँ। मोगरे पे इस टाइम पे अच्छी ब्लूमिंग चल रही है, बाकी किसी मोगरे के बस कलियाँ हैं जिनको चिड़िया नहीं खा रही है, बाकी तो हर प्लांट की कलियों को चिड़ियों ने खा के रखा हुआ है। तो फ्लावरिंग के नाम पे तो अभी इस टाइम पे गार्डन में कुछ भी नहीं है। देखते हैं, हर साल वैसे इस टाइम पे मेरे हमारे यहाँ पे ऐसा ही होता है, तो होप है कि थोड़े दिनों में अपने आप ही चिड़िया, थोड़ा बारिश वगैरह स्टार्ट हो जाएगी तो फिर नहीं इतनी खाती, लेकिन गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा चिड़िया हर साल ही परेशान करती हैं मुझे। बस फ्रेंड्स, आज एक छोटा सा अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करना था। जल्दी किसी नए वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। फ्रेंड्स, तब तक ले बाय, टेक केयर एंड हैप्पी गार्डनिंग।